ये कैसा गुस्सा है रगड़ाता हूँ। अच्छा है इस साइड मतलब देना चाहिए, जैसे कि हम गाड़ी की मोबिल सर्विस करवाते हैं तो वो दोबारा गाड़ी बढ़िया तरीके से तैयार, ऐसे ही अगर हम ब्लड देंगे तो शरीर का एक सर्विस हो जाता है। धन्यवाद करते हैं कि शिवानी के अंदर कोई भी सार्वजनिक काम होता है चाहे कोई किसी प्रकार की समस्या होती है तो जब से आपने चैनल बनाया है समय समय पे उठाते रहते हैं, तो आपका धन्यवाद। बोला भाई रक्त दान है सबसे बढ़कर बड़े हैं इसके दानी, और देकर अपना खून बचाते औरों की जिंदगानी। सभी को नमस्कार भाई, मैं आपका भाई नरसिंह प्रजापत शिवानी, आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज, आपा शिवानी मंडी के वार्ड नंबर 9 में पूछे यहाँ तो एक अनोखी पहल जो यहाँ पे लखेरा समाज द्वारा की गई है। भाई आजकल आप देखते आ रहे हैं कि मृत्यु भोज के नाम पर बड़े बड़े खर्चे जो लोग उठाने का काम करते हैं, अनाप शनाप खर्चे कर देते हैं, लेकिन उसको देखते हुए एक नई पहल जो है वो शिवानी के वार्ड नंबर देखने को मिली है लखेरा समाज द्वारा, यानी कि अपने माता पिता की बर्सी के ऊपर इन्होंने रक्तदान शिविर लगाया है, सत्संग का आयोजन किया गया है आने जाने वाले रक्तदाताओं के लिए, और जो जाते गणारे उनके लिए मतलब खाने पाने का भी प्रबंध इन्होंने किया है। तो अपने साथ डॉक्टर साहब मौजूद, आप इनसे बातचीत करेंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करियो, हर ग्रुप में डालियो ताकि हर समाज जागरूक हो और एक नई प्रेरणा जो हर समाज को मिले। तो डॉक्टर दान करने के लिए कुछ रक्तदाता यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, रमेश कुमार। खूनदान पहली बार कर रहे हो, पहले भी कभी किया है? नहीं, पहले भी किया है जी, अब तो छठी बार खून दे रहा हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं आप रक्तदान करके? नहीं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ हर ये 3 महीने ज्यादा टाइम हो जाता है, अगर ये 3 महीने भी जल्दी जल्दी हो तो मैं बहुत इच्छुक हूँ सेवा देने में। रक्तदान पहली बार कर रहे हो, पहले भी कभी किया? छठी बार जी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप रक्तदान करके? सही है जी, समाज कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम ना जी, कोई दिक्कत नहीं। क्या प्रेरणा देगी औरों को, यानी कि रक्तदान करना चाहिए जी। तो नगर पालिका प्रधान सुरेश खटक जी मौजूद है, भागीरथ जांगड़ा जी भी अपन मौजूद है, क्या विचार लेवाएं प्रधान जी? राम राम। प्रधान जी आज रक्तदान शिविर लगाया है अपने माता पिता की याद में लखेरा समाज ने, जो क्या कहना चाहोगे, कैसी पहल लगी? ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है, ये हमें हर वार्ड में अपनी माता और पिता की यादगार में ऐसे ऐसे कैंप का आयोजन होना चाहिए। और आज हमारे डॉक्टर सुभाष जी हैं, इन्हें अपनी माता और पिता की यादगार में आज ब्लड कैंप लगाया है, और जो ब्लड देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। ब्लड साल में एक दो बार देना चाहिए, जैसे कि हम गाड़ी की मोबिल सर्विस करवाते हैं तो वो दोबारा गाड़ी बढ़िया तरीके से तैयार, ऐसे ही अगर हम ब्लड देंगे तो शरीर का एक सर्विस हो जाती है ब्लड की, तो ये और जो किसी विशेष किसी एक्सीडेंट हो जाता है या किसी के ये ब्लड वहाँ भी किसी के लिए जान बचाने में कहीं ना कहीं काम आता है। तो जांगड़ा साहब बहुत अच्छे वक्ता है, इनसे बातचीत कराएंगे। जांगड़ा साहब नमस्कार। नमस्कार, सबसे पहले तो नरसिंह भाई एनपीएस न्यूज का धन्यवाद करते हैं कि शिवानी के अंदर कोई भी सार्वजनिक काम होता है चाहे कोई किसी प्रकार की समस्या होती है तो जब से आपने चैनल बनाया है समय समय पे उठाते रहते हैं, तो आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपका। जाना साहब रक्तदान शिविर देखते हैं कि बहुत मतलब कई सामाजिक संगठन भी वो रक्तदान शिविर लगाते आ रहे हैं, तो मतलब लखेरा समाज ने अपने माता पिता की याद में जो रक्तदान शिविर लगाया, कैसी पहल है? देखिए आज जो युवा वर्ग है बड़ा जागरूक है, पुराने टाइम में जो भी रक्तदान करते थे तो गलतफहमियां पैदा कर देते थे, आज का युवा पढ़ा लिखा है, और हमारे लखेरा समाज जो है वैसे भी सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहता है शहर में, और अभी सुभाष भाई और इनके पूरे समाज ने जो ये पहल की अपने माता पिता की याद में, लेकिन माता पिता से बढ़ के कुछ नहीं होता, और उनकी याद में अगर हम रक्तदान करते हैं एक बूंद खून की अगर किसी की जान बचा सकती है तो वो यही है, क्योंकि साइंस ने हर चीज पैदा कर दी है। ब्लड एक ऐसी चीज है जिसको साइंस बना नहीं पाई है, वो तो हम दान में लेके और उसको चढ़ा सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। और मैं तो ये कहूंगा कि अपने माता पिता की याद में नहीं, अपने माता पिता का कोई जन्मदिन मनाता है या कोई घर की और भी किसी प्रकार की खुशी होती है तो ये रक्तदान शिविर लगाना चाहिए। तो भाई रक्तदान शिविर में सुभाष चावड़ा जी पहुंचे हैं जो शिवानी के भूतपूर्व चेयरमैन रहे हैं, उनसे बातचीत कराएंगे। मतलब मृत्यु भोज के नाम पर लोग जो है वो अनाप शनाप खर्च कर देते हैं, अनगिनती मतलब एक दिखावा लोगों में ज्यादा चल रहा है, तो उससे कहीं परे अटक रहे इन्होंने मतलब मृत्यु भोज के ऊपर मतलब रक्तदान का शिविर लगाया, तो उनसे एक नया सिस्टम कराया है। ये शब्द बढ़िया है, मतलब हर समाज को ऐसी पहले करनी चाहिए, ऐसी करनी चाहिए हर समाज को। तो वगड़ी साहब क्या कहना चाहोगे आज किस प्रोग्राम के बारे में, बहुत अच्छी पहल जो है वो लखेरा समाज ने की है, तो क्या मतलब लोगों को प्रेरणा देना चाहोगे? हम यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि वो भी बढ़ चढ़ कर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए अपने पूर्वजों की याद में, दादा दादी की याद में, माता पिता की याद में, एक खून एक बूंद खून जिंदगी बदल सकती है किसी भी व्यक्ति की। हाँ जी, तो हम यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि हर कोई अपनी पुण्यतिथि पे, जन्मदिन के अवसर पर,
हर कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। प्रेरणा तो लोगों को ये भाई है कि धार्मिक अनुष्ठान है, इसमें कोई मृत्यु भोजवाई वो बात कोई ऐसी बात नहीं है, कोई एक धार्मिक अनुष्ठान है अपने मतलब माता पिता की उसकी यादगिरी में इन्होंने प्रोग्राम किया है, लेकिन साथ साथ में जो ये काम किया है रक्तदान वाला, मैं तो इसको इससे भी मानता हूँ। वैसे तो आदमी को देने के लिए शायद किसी नहीं पूछेगा कहीं, लेकिन यहाँ देख के आदमी को वैसे भी मतलब प्रेरणा मिल जाती है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत मैं भी कर दूँ, तो वैसे अच्छी पहल है ये। डॉक्टर साहब, रक्तदान शिविर लगाया एक बहुत ही अच्छी पहल हम इसको कहेंगे, तो कैसा क्या पूरा विवरण इसका जानकारी हमको दे, किस प्रकार की खुशी में रक्तदान शिविर लगाया गया? ये मेरे दादाजी मेरी दादी माँ जी की पुण्यतिथि की याद में लगाया गया है। कोशिश कर रहे थे कि अच्छी पहल की जाए, इस दिन को स्पेशली कुछ मेमोरियल डे के रूप में बनाई ताकि कुछ चीजें याद रहे हमेशा के लिए। तो हमने इसके लिए ऐसा किया कि रक्तदान शिविर लगाया जाए जो सबके लिए आगे अच्छे का काम होगा, ताकि आगे किसी को ब्लड डोनेट किया जाए, उनकी जान बचाई जा सके। तो हम कोशिश कर रहे हैं इसको अच्छे स्तर पे हर साल पे कोशिश करेंगे कि इसको लगवाए और अच्छे के लिए आगे बढ़ाते हैं। रक्तदाताओं में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? रक्तदाताओं में उत्साह पूरा है, अभी भीड़ पूरी थी यहाँ पे, अभी कोशिश है कि हम पूरी यूनिट ले नहीं पा रहे हैं अभी तक, 40 है, कोशिश करेंगे अगली बार इसको बड़े स्तर पे बनाया जाए ताकि पूरी यूनिट ले जाए। लगभग कितने की यूनिट रक्तदान हो चुका है डॉक्टर साहब? अभी तक 46 एंट्री हो चुकी, मतलब 46 यूनिट है, 40 यूनिट का टारगेट था, अभी 46 हो गई है, हमने रोक रखी है, 20-30 अभी और है। डॉक्टर साहब, एक समस्या और देखने को मिलती है, रक्तदाता जो रक्तदान कर देते हैं, अगर उनको ब्लड की जरूरत पड़ती है कहीं हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको मतलब मना कर दिया गया, तो ऐसा क्या कुछ ये लचर प्रशासन के बारे में क्या? नहीं, कोशिश ये होती है कि हर जगह अभी ब्लड बैंक बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे शिवानी अस्पताल में भी अभी ब्लड बैंक बनाने की कोशिश की जा रही है। इतना आसान नहीं होता कि कहीं भी ब्लड बैंक बना दे, मशीनें लग गई हैं, उनका प्रॉपर प्रोसीजर होता है। अभी जो सेंटर है जैसे कि भिवानी है, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा, आप भिवानी भेजे जाते, भिवानी आपको ब्लड हमेशा पूरा मिलेगा। तो कोशिश वही होती है कि यहाँ भी हो सके तो यहाँ कोशिश करेंगे पूरी हो जाए, वरना अभी तक भिवानी अगर हमें जाएंगे तो आपको कभी भी कमी नहीं मिलेगी उस चीज़ की। टीम कहाँ से आई हुई अपने भिवानी से आई है? वही भिवानी जो है वो चौधरी बंसीलाल जिला नागरिक हॉस्पिटल की जो टीम है वो आई हुई है, और मतलब युवाओं में काफी उत्साह पर देखने को मिल रहा है। तो वही हर समाज को ये पहल करनी चाहिए, आगे आना चाहिए, बड़े बड़े अनाप शनाप खर्चों को छोड़ करके, और मतलब खर्च के नाम पर जो है वो अनाप शनाप खर्च कर देते हैं, उससे कहीं परे हटकर एक अच्छी पहल जो इन्होंने कही, एक अच्छा संदेश जो है वो समाज में देने का काम किया। तो भाई आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, हर ग्रुप में डालियो ताकि हर भाइयों को इससे प्रेरणा मिले और प्रेरणा ले सके। तो भाई क्या देर कर दो वीडियो को शेयर, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर एनपीएस न्यूज के लिए। कैमरामैन सुरेश वर्मा, आकाशवाणी मंडी से नरसिंह प्रजापत की विशेष रिपोर्ट। क्या हाल है?